बाराबंकी में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है और इस सड़क हादसे में 18 लोगों की जान जाने की खबर है। लगभग 24 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। खराब खड़ी डबल डेकर बस को ट्रक ने टक्कर मारी थी। देर रात लगभग 12 बजे लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसपी यमुना प्रसाद। बस पंजाब से बिहार जा रही थी, इसमें 140 मजदूर सवार बताए जा रहे थे। घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया है। इनमें से कई घायलों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी जब यह हादसा हुआ। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी खड़ी हुई इस बस को। नतीजा ये कि 18 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। 24 लोग घायल हैं, इनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं और इसीलिए आशंका इस बात की है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हम इस वक्त उसी स्थान पे हैं जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जो बिहार के लिए बस जा रही थी वो दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि जिसने भी घटना को देखा उसका दिल दहल गया। ये लखनऊ फैजाबाद नेशनल हाईवे है जहां पर ये बस जो है एक्सल खराब होने की वजह से खड़ी हुई थी और इसी की वजह से जो है सवारी जो थी इसमें वो सवारियां बस के नीचे लेटी हुई थी और जो है उस वक्त सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे जब ये घटना हुई। चश्मदीदों के अनुसार बताया जा रहा है कि पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी जिससे जो है बस में जो भी लोग लेटे हुए थे, जो लोग नीचे लेटे हुए थे वो मौत के मुंह में समा गए। हमारे साथ यहाँ पर जो है जो बिहार के लिए जा रहे थे वो मौजूद हैं, ये सुरक्षित हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्या इसमें इनके परिवार वाले कैसे जो है हादसे के शिकार हुए हैं। जी बताइए कैसे यहाँ पर घटना हुई थी। वो ट्रक ने पीछे से मार दिया सर। वो घसीटते हुए आदमी सुआ था उस पर मार चल दिया, उसको घसीटते हुए चल दिया उस पर और हॉस्पिटल ले गया उठाकर। और कहाँ ले गया से तो हमने को नहीं पता है सर। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम कैथल से हम मुजफ्फरपुर जा रहे थे सर। इसमें कितने लोग बैठे हुए थे? इसमें बैठे थे 150 आदमी सर। ये घटना कितने बजे हुई? 12 बजे का करीब में। हाँ सब एक ही साथ में चले थे। आप कहाँ पर थे उस समय घटना के? घटना के बाद हम आगे सोए थे तो पीछे रह गया दूर टिंग हमारे पीछे ही इतना घटा हुआ। जब तक हमको नींद टूट गया हमको भी लगा सट भी लगा। अच्छा अच्छा लगवा रहे। तो ये बताइए कि वहाँ पर क्या करते थे सब साथ में, एक साथ में इतने लोग कैसे? सुआ था सर। अच्छा। सब सुआ था, नींद का मारे जो रात का सब सुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम विश्वास जी। तो ये राम विश्वास हैं जो हादसे के शिकार के वक्त जो है गाड़ी के आगे लेटे हुए थे और जो है ये मौत के मुंह से बच के निकल आए हैं। लेकिन जो अभी घटना हुई है उस घटना ने सबको जो है झकझोर के रख दिया है। फिलहाल घायलों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस लगातार घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाकर उनका इलाज करवा रही है। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। बाराबंकी जिले में एक भीषण सड़क हादसे में लगभग 11 लोगों की जान चली गई है और अभी भी दर्जनों लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हम मौजूद हैं बाराबंकी और अयोध्या बॉर्डर के पास में जहां ये हादसा हुआ है। हादसे के तुरंत बाद बाराबंकी पुलिस जो है यहां घायलों को आसपास के जो हॉस्पिटल हैं उनमें भर्ती कराया है और अभी भी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद जी हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और कितने लोग जो है अभी घायल हैं और क्या स्थिति है। जी बताइए सर कि कैसे घटना हुई है ये अंबाला पंजाब से कुछ मजदूर बिहार के रहने वाले वो लोग चले थे, वहाँ से हरियाणा हिसार में आ करके उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट, एक ही बस में बैठा दिया गया जो ये बस है ये आ रही थी और ये आगरा के पास भी इसमें टायर पंचर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आए बाराबंकी में और इसका एक्सेल टूट गया और उसके बाद ये गाड़ी करीब 7-8 बजे से यहीं पे खड़ी थी। पीछे से करीब 12 बजे के आसपास एक ट्रक आई जिससे इसका एक्सीडेंट हो गया
और उसके बाद इसके कुछ सवारी जो उसके आगे सो रहे थे उसमें इंजर्ड हो गए, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सभी को पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच करके हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी गाड़ी हटाने की व्यवस्था की जा रही है, क्रेन मंगाए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पे लगातार बारिश और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पुलिस प्रशासन मौके मौजूद है और मुस्तैदी से काम कर रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। तो भयावह सड़क हादसा हुआ है बाराबंकी में और 18 लोगों की जान गई है। अभी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे, ये देखिए इस ट्रक का हाल। इसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी उस डबल डेकर बस को जिसमें 140 मजदूर सवार थे, यात्रा कर रहे थे पंजाब से हिसार की, पंजाब से क्षमा करें बिहार की, जब यह हादसा हुआ। सीधा बाराबंकी चलते हैं, ताज़ा अपडेट जानते हैं इस हादसे से जुड़ा हुआ और इसके लिए सतीश कश्यप इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, सीधा कनेक्ट हो गए हैं। सतीश, अभी हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई जो मध्यरात्रि को आपने वहां पर जाकर बनाई थी जहां पर यह हादसा हुआ था, बारिश हो रही थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल रहा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन सतीश, लेकिन अभी किन लोगों का इलाज कहाँ कहाँ चल रहा है, कितने जख्मी हैं, क्या अपडेट है वो हमारे दर्शकों को दें आप। जी राजेंद्र, घटना जो है बीती रात 12 बजे तो हुई थी और उसके बाद जो घटना के बाद जो घायल थे उनको जो है बाराबंकी के ट्रामा सेंटर भेजा गया था और वहां का जो रामसैनी घाट है जहां घटना स्थल बताया जा रहा है वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां कुछ लोगों को भर्ती किया गया है और जो गंभीर हालत में थे उनको जो है बाराबंकी से सीधा जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। अभी बाराबंकी के जो ट्रामा सेंटर में कुछ लोग यहां पर भर्ती हुए थे उनको गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें भी जो है मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है और जो है एक घायल से मेरी अभी बात हुई है, बातचीत के दौरान उसने पूरी दर्दनाक जो है घटना को बयां किया है और इस दौरान उसने बताया कि वो एक महीने के लिए मजदूरी पे गया था, बिहार के रहने वाले जो है ये घायल थे और जो है उसका साफ साफ कहना था कि बच्चों के लिए जो है दो वक्त की रोटी के लिए वो कमाने जो है बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वो कमा के 12,000 रुपये जुटाए भी थे हादसे के शिकार में वो घायल हुए, इस दौरान जो है उनके पैसे भी उनके पास नहीं मिले। तो ये बेहद जो है दुखद है कि जो घायल थे, जो पीड़ित थे, अब उनके पैसे भी गायब हैं। तो घटना स्थल पर देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से जो है उस मातम के जो है मुंह में जो है समा गए और जो है दर्दनाक घटना जब हुई तो जो है लोगों को जो है जिस तरह से घटना हुई तो वहां तमाम सारा सामान बिखरा हुआ था, कुछ लोगों के पैसे वहां गायब हैं और जो है जो लोग वहां मौजूद थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो इस मामले पे उनका साफ कहना था कि उस क्योंकि घटना 12 बजे रात में हुई उस दौरान जो है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि भीषण जो है सड़क हादसा था और जो है जिसने भी उस जो है घटना को देखा उसके जो है रोंगटे खड़े हो गए। पास में होटल था, वो जो है जो चश्मदीद हैं उनका साफ कहना था कि कुछ लोगों को उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस को सूचना दी, मेडिकल एम्बुलेंस को, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, सबसे दुखद ये है कि जो है लगातार एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल भी चल रही है, ऐसे में जो है घायलों को वहां से हॉस्पिटल पहुंचाने में भी दिक्कत हुई, बरसात हो ही रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सतीश, बहुत 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 ज्यादा दर्दनाक, बहुत ज्यादा दुखद यह सब कुछ और जो आपने बयान किया उससे तकलीफ का, मुश्किलात का वहां पर बिल्कुल साफ साफ अंदाजा लग रहा है, पता चल रहा है। सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तो 18 लोग डेड इस हादसे में और इसके अलावा 24 लोग जख्मी, कई लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है और कुछ लोग जो बाराबंकी में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए थे उनको भी डॉक्टर्स ने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज रेफर किया है उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, और इसीलिए आशंका इस बात की है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये बहुत चिंताजनक।